मैं उज्जवल कुमार सेन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सेन यूट्यूब चैनल, राइट। तो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ कहाँ तक पढ़ा था, एक्सेलरेशन तक पढ़ा था, राइट। और उसमें मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन होता क्या है, उसका SI यूनिट बताया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका CGS यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर का सेंटीमीटर हो गया, सेकेंड का सेकेंड ही रहता है, चाहे हम SI की बात करें चाहे हम CGS की बात करें। आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की। मोशन क्या होता है हमें पता है, रेस्ट बॉडी पर रेस्ट है बॉडी या मोशन में हमें पता लग गया, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, राइट, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास गाइस हम अगर पढ़ते हैं तो दो चीज़ हम बहुत कॉमन देखते हैं, 2D एंड 3D। 2D में हमने देखा दो एक्सिस होता है एक्स वाई, 3D में देखा एक्स वाई जेड। गाइस और एक चीज़ आ चुका है हमारे पास, 4D भी आ चुका है, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, ना इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बिकॉज हमारा कंसर्न किससे है, एक्स एंड वाई से है। एक्स एक्सिस क्या होता है, हॉरिजेंटल, वाई एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल, राइट। ये आपको क्लियर होता है, अगर हम ऊपर तरफ जाएंगे इस साइड तो क्या होगा, वाई बढ़ेगा, अगर हम इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, एक्स बढ़ेगा। क्लियर हो गया बात, क्योंकि इसी से ही हमारा सारा कुछ क्लियर होता है आगे। तो हम पहले सीखेंगे किसके बारे में, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में, डिस्टेंस एंड जो टाइम ग्राफ है उसके बारे में मैं सीखने वाला हूँ, राइट। तो पहले आपको बताऊँगा क्या है स्ट्रेट लाइन, अगर मान लो है, राइट, कोई भी बॉडी मान लो हमारे पास डिस्टेंस इस साइड है, वाई एक्सिस यूनिट करेगा, टाइम क्या करेगा, एक्स को यूनिट करेगा। अगर मैंने ऐसे लाइन खींचा, इस लाइन को समझो, अगर इसको समझ गए, इसको पकड़ लिया आपने, काम बन जाएगा आपका, राइट। मान लो ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, और इसको टाइम के साथ मैं डिनोट करता हूँ। अगर ऊपर तरफ जाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, इस साइड क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। क्या ये जो लाइन है डिपेंड करता है, डिस्टेंस क्या है, कॉन्स्टेंट है, मतलब क्या है, फिक्स्ड है, मतलब क्या है, रेस्ट पर बॉडी है। टाइम तो चलता रहेगा, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। अगर मान लो हमारे पास कोई ब्लॉक है इस तरह का, सपोज दैट वी आर हैविंग ए ब्लॉक लाइक दिस, राइट, और ये ब्लॉक जो है हमारा ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये ब्लॉक क्या है, ऐसे रखा हुआ है किसी जगह पर। अगर मैं बोलूँगा इसका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाओ, तो कुछ ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ही ग्राफ बनेगा जो मैंने आपको बनाया, बना के दिखाया, मतलब ऑब्जेक्ट किस कंडीशन पर है, रेस्ट कंडीशन पर है, राइट। गाइस और एक बात याद रखना, जब भी हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस या तो कांस्टेंट रहेगा या ऊपर तरफ जाएगा, नीचे तरफ कभी नहीं जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, या तो कांस्टेंट या फिर ऊपर, नीचे तरफ नहीं जाएगा, समझ गए। नीचे तरफ क्या जा सकता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट जा सकता है, समझ गए। अब अगर आपको बोले कि मान लो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन पर कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसका ग्राफ भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, लेकिन उसका जो बनाने का तरीका होगा कुछ अलग होगा, वो ऐसे होगा, इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब जितना डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, और यहाँ पर जो डी है वो क्या है, डिस्टेंस है, समझ गए। अब हमें पता है स्पीड अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो डिस्टेंस ट्रेवल करा, राइट, और उसके बीच में टाइम, मान लो इसके बीच में मुझे स्पीड निकालना है कितना है, ये मान लो वन है और टू है, यानी कि डी वन और डी टू आ गया, और ये टी वन आ गया, टी टू आ गया, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डी टू माइनस डी वन बाई टी टू माइनस टी वन, ऐसे हम लिखेंगे। रियल लाइफ में जितने गाड़ियां होते हैं उनका स्पीड ऐसे तो नहीं होगा, उनका स्पीड कैसे होता है, जैसे मान लो गाड़ी चली यूनिफॉर्म, या फिर टेढ़े नीचे तरफ नहीं आएगा, राइट, बिकॉज जो डिस्टेंस है नीचे नहीं होता है कभी, या तो ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, नीचे तरफ नहीं आया कभी डिस्टेंस, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, ये जो रुक रहा हूँ मतलब क्या, रेस्ट पर है। मान लो यहाँ पर क्या, रेड लाइट है, रेड लाइट में क्या करना पड़ता है, हमें रुकना चाहिए, नीचे तरफ कभी नहीं जाएगा, याद रखना डिस्टेंस में, राइट। और यूनिफॉर्म मोशन रियल लाइफ में अचीव करना क्या है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, हम अचीव नहीं कर सकते हैं रियल लाइफ में जो यूनिफॉर्म मोशन है उसको, राइट। अब गाइज
और कुछ बात करते हैं हम उसके बारे में, क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे, राइट। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो क्या होता है कि वी क्या होता है वाई एक्सिस से नोट करेंगे और टाइम को किससे, एक्स एक्सिस से, ये आप लोग याद रखना। हॉरिजॉन्टल मतलब टाइम, वर्टिकल मतलब क्या है आपका वेलोसिटी। अगर मान लो वेलोसिटी कुछ ऐसा है, मतलब इसका लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है, इस तरह का स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब यहीं पर वन, मतलब वी क्या है, फिक्स्ड है, वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल सकते हो यहाँ पर, राइट। टाइम तो चल रहा है इस केस में गाइस, इस केस में क्या होगा आपका कि जो एक्सलरेशन होगा, एक्सलरेशन होगा वो क्या होगा, आर्यभट्ट वाला क्या होगा, जीरो होगा। एक्सलरेशन क्या होगा, आर्यभट्ट वाला जीरो होगा, समझ गए आप। अब अगर मान लो एक्सलरेशन जीरो होता है तो मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसा क्यों है, आप बोलोगे ऐसा क्यों भाई, ऐसे कैसे पता लगा आपको, क्योंकि हमें पता है एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम मान लो इस जगह से लेते हैं, मान लो राइट, ए वन है, ए टू है, तो वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी वी है यहाँ पर, बिकॉज वी का क्या है यहाँ पर सेम है, और टाइम नीचे क्या आ जाएगा, मान लो टी टू माइनस टी वन, ऊपर तरफ मान लो जीरो हो गया, जीरो बाई एनी थिंग, कुछ भी हो, लाख हो, पचास लाख, करोड़, कुछ भी हो, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो बाई जीरो हम डिफाइन नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिफाइन, अगर जीरो बाई जीरो कोई टर्म आता है विच इज़ अनडिफाइंड, राइट, ये आप याद रखना, ओके। तो गाइस और एक बताऊंगा, मान लो कोई कांस्टेंट टर्म है ए, उसके पावर जीरो है तो क्या बोलेंगे, वन होगा। कैसे होगा, देखो ए टू द पावर वन माइनस वन, ए टू द पावर वन, ए टू द पावर माइनस वन, ए टू द पावर वन मतलब वन हो गया और माइनस वन मतलब नीचे ए कट जाएगा, तो क्या आ गया, वन आ गया, समझ गए। तो कांस्टेंट का पावर जीरो हो तो क्या होता है, वन होता है, लेकिन कैसे होता है आपको बता दिया, ये आप याद रखना ताकि काम आएगा आपका आगे, जो भी मतलब कुछ भी हो आपका कहीं भी काम आ सकता है, राइट। अच्छा अब बात करेंगे भाई, एक चीज़ बात करेंगे कि एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ, कि जो हमारे किसी भी बॉडी का, किसी भी कार का, मतलब उसमें क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे उसका डायग्राम ग्राफ बनाएंगे, मान लो ये वेलोसिटी है और एक टाइम है, अगर ग्राफ ऐसा है तो क्या बोलेंगे इसको, एक्सेलरेशन हो रहा है, क्यों, बिकॉज वेलोसिटी बढ़ रहा है यहाँ पर, अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ तो क्या होगा, एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। डी एक्सेलरेशन की बात करेंगे, यानी कि रिटार्डेशन, मतलब क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, अगर इस तरह ग्राफ बना तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या कर रहा है यहाँ पर, डिक्रीज कर रहा है, समझ गए। तो डी एक्सेलरेशन अगर आप रियल लाइफ में बात करोगे, रिटार्डेशन अगर रियल लाइफ में बात करोगे कहाँ होता है, जब हमारे पास रेड लाइट आएंगे, मान लो हम कार में हैं, बाइक पे जा रहे हैं, रेड लाइट आने वाला है तो क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। बस स्टैंड में बस रुकने वाली है तो क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। बस स्टैंड से बस छोड़ रही है, मतलब जा रही है वहां से, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ट्रेन स्टेशन पर आ रही है तो क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है। ट्रेन जा रही है मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा इन जनरल, राइट। चलो नहीं तो कभी कभी आप बोलोगे, कभी कभी सर ट्रेन चलते तो फिर वहां पर कोई प्रॉब्लम होता है लाइन में, वहां बिना स्टेशन के रुक जाती है, वहां तो रिटार्डेशन होता है भाई। रुकना मतलब रिटार्डेशन, चल रही है आगे जा रही है मतलब स्टार्ट हो रही है, वो चलेगी और चलना स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद जो हो रही है वो क्या है, एक्सेलरेशन। मैक्सिमम चांस यही होते हैं। अब गाइस बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो कुछ रियल लाइफ के जो ग्राफ बनते हैं कुछ ऐसे बनते हैं। ये वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, राइट। रियल लाइफ ग्राफ बोलोगे तो ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, लेकिन डिस्टेंस में क्या होगा, नीचे नहीं आएगा, ये याद रखना, ये काम का है। अब गाइस बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और न्यूमेरिकल मोस्ट प्रोबेबली आपको यहीं से पूछे जाएंगे, वो क्या है गाइस, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत सारे इक्वेशन है, तीन इक्वेशन की मैं बात करूंगा यहाँ पर, इनको आप पकड़ लेना। पहला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस। v और u में से फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है आपको बता दिया था, ट्रिगी भी बताया था कि u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी।
समझ गए आप। अब देखो गाइस, इन इक्वेशन में कौन से मतलब किस टर्म से आया है, मतलब कहाँ इसको हम देखते हैं वो बताएंगे। जब हमारे पास पोजीशन और वेलोसिटी, पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन होता है, तब हमारे पास आता है क्या, वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। जब हमारे पास एस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, पोजीशन एंड टाइम रिलेशन होता है, तब होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब हमारे पास वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन होता है, तब आता है हमारे पास वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए मतलब एक्सेलरेशन और टी मतलब क्या है, टाइम। गाइज इसमें हमारा डेरिवेशन भी है, लेकिन वो हमें जानने का ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कोई अगर न्यूमेरिकल रह जाता है तो commentquery.com में पूछें, वहाँ पर मैं आपको आंसर दूंगा, ताकि आप सबको पता लगे, राइट, सबको, एवरीबडी कैन। आप अगर पेपर दे दोगे उसके बाद भी लोग उसको देख पाएंगे और उससे कुछ सीख पाएंगे, राइट, इसलिए उस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। चलिए आप देखते हैं हमारे पास क्या गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसकी बात करें गाइज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमें पता लग चुका है, सर्कुलर मोशन मतलब यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है, वो क्या है, सर्किल, राइट, एक सर्किल इंट्रोड्यूस हो रहा है। मान लो सर्किल रेडियस यहाँ पर इस पॉइंट पर है और यहाँ पर कोई बंदा भाग रहा है, राइट, यूनिफॉर्म मोशन के साथ साथ, राइट। अगर यूनिफॉर्म मोशन कब बोलेंगे, कि ये जो भागेगा बंदा, मतलब कोई मतलब एथलीट भाग रहा है, राइट, उसका मोशन इस सर्कुलर पाथ में अराउंड द फिक्स पॉइंट, और उसको क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। कि इस फिक्स पॉइंट के अराउंड भाग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अगर वो भागे किसके साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, किसके साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। फिर यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा आपका, अगर कोई भी बॉडी भाग रहा है यूनिफॉर्म स्पीड का, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। सर्किल आ गया, यूनिफॉर्म स्पीड से घूमेंगे तो क्या बोलेंगे, भागेगा तो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, राइट। स्पीड यूनिफॉर्म होगा गाइस यहाँ पर, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्यों, इसके पीछे लॉजिक है। कोई बंदा भाग रहा है तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं डायरेक्शन दिखाई, डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और स्पीड क्या करता है, जो स्पीड है क्या करता है, सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। वही वेलोसिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ क्या करता है, डिपेंड करता है, इनके लिए डिपेंड करता है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग, दैट्स वाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, समझ गए। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होपफुली आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर दो चीज़ आते हैं नया टर्म गाइस, जो शायद आपको ना पता हो या कंफ्यूज होते होंगे, आज वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वो क्या होता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, आप फोर्स भी पढ़ते होंगे, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, आप फोर्स भी पढ़ते होंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं कि अंदर तरफ क्या होता है, बाहर तरफ क्या होता है, इसमें हमें कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर याद करने के लिए मैं आपको बता दूँ, जो हम पंप लगाते हैं वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। पंप क्या करता है, पानी बाहर फेंकता है, मतलब क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या हो गया, सेंटर से बाहर, और एक तो सेंटर के अंदर होगा, तो सेंट्रीपेटल मतलब क्या हो गया, सेंटर की ओर, टूवर्ड्स द सेंटर क्या होगा, सेंट्रीपेटल, और सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, आउटवर्ड द सेंटर। समझ में आ गया, कन्फ्यूजन अब नहीं होना चाहिए आपको होपफुली। अब गाइस बात करते हैं रेवोल्यूशन पीरियड, ये बड़ा काम का है, हर जगह आता है, हर एग्ज़ाम में आता है, तो आपको इसको समझना चाहिए, राइट, और हर जगह इसका लिंक है, राइट। तो रेवोल्यूशन पीरियड कहाँ से आया, हम पहले इसको अच्छे समझते हैं। मान लो हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है, पाई डी, और क्या होता है, 2πr। क्यों होता है, बिकॉज डी इज इक्वल टू 2r। मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है सबको समझने, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, राइट। कैसे हुआ, देखो ये डायमीटर है और ये क्या है, r है, इसीलिए क्या बोलेंगे, डी इक्वल टू 2r। चलो अब और एक चीज़ हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर अगर सर्कुलर मोशन की बात करें, डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 2πr अपॉन t, इसी को बोलते हैं एक्चुअली, वही कि t जो यहाँ पर होता है उसका नाम क्या है, रेवोल्यूशन पीरियड।
टी रेवोल्यूशन पीरियड है और क्या हो गया हमारे पास 2πr/स्पीड, राइट। तो रेवोल्यूशन पीरियड इक्वल टू क्या होता है, सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड, समझ गए। कुछ कुछ जगह पर इसको वी से भी हम डिनोट करते हैं, 2πr/v। तो गाइज अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने मोशन को चैप्टर जो 9th क्लास का मोशन का चैप्टर है हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब आपको क्या करना है, बिकॉज हमारे सिलेबस में बता रखा है कि अप टू 10th क्लास आएगा, तो हम 9th 10th क्लास को ही पढ़ेंगे, बिकॉज यहीं से क्वेश्चन आने का चांसेस है। यानी कि आपने एक क्वेश्चन काम कर लिया सिर्फ 2 लेसन में। बाकी अगर बात करेंगे जी आपका जनरल साइंस का, जनरल आपका अवेयरनेस का, उसके बाद मैथमेटिक्स का, उनमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इसमें आप प्रैक्टिस करें सिर्फ फार्मूला के, फार्मूला को कैसे इंप्लीमेंट करना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा आरआरबी जेई के जो प्रीवियस ईयर है, जो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है, या बुक खरीद सकते हैं जहां पर सेट मिलेगा। आप सेट लगाएं सिर्फ एमसीक्यू सेट लगाओगे, क्यों, इससे फायदा क्या होगा, बिकॉज आपको एमसीक्यू के ही प्रैक्टिस करना है और किसी चीज़ का प्रैक्टिस नहीं करना है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, राइट। सो गाइज होपफुली आपको इस लेसन से कुछ सीखने को मिला। तो आपको क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का आइकन पर प्रेस करना, अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए नहीं चाहिए मत करो। उसके बाद क्या करो, कमेंट करो क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, जो भी है, राइट। और गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, सो See you soon in my next lesson.